ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है और ये अपना टिप्पणी दो फिर इसके ऊपर। क्यों नहीं बोलते, 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ, क्यों ना बोलते ये? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर है। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहे, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये है मूल ज्ञान। और फिर परमात्मा ने एक वाणी और कही है कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या। 33 अरब वाणी बोल दी हमने इस कबीर सागर में और कबीर साखियों में, दोहालियों में, लेकिन ये मूल ज्ञान जो था अब भी हमने गुप्त रखा हुआ था, और अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनका नोना जच्ची है कि ये हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं, और उनके उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलिया न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की, कहे की माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से, उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गड़जोट। इतने प्रमाण देख के, और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूड है, मुग्ध मूड ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे उन दौरे। एक भक्त कह रहा था जी ये आम तगे सारे जितने दूसरे पंथां दौरे बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला लें कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लग रही है, जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दें भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे, और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे कंडक्टर ड्राइवर के कहे पाछे भी, वे जब उतरेंगे जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वो जब उतरिया करेंगे सचमुच ये भी ना रहे। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी आते हैं तो पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी, यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहते कहता हूँ कही जात हूँ कहूँ बजा कर ढोल, और ये सांस जो खाली जात है ये 3 लोग का मोल, एक सांस की इतनी कीमत, और मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि सांसों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सतभक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर तो वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कुमारा पल्ला ना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो,
और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने हैं। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, अन्यथा फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहे, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गायक कोट अनंत और चार चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों ने छोड़ गए और चाव है पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं, जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो फिर इसके ऊपर। क्यों नहीं बोलते, 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ, क्यों ना बोलते ये? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर हैं। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिर ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये चौरासी के ढोर। एक ड्राइविंग लाइसेंस हो है गाड़ी चलाने का, यदि उसको भी कोई नकली बनवा रहा हो तो वो भी मौके पर काम ना देगा, उसको सजा होगी। धोखा कितने दिन दे रखो, जिस दिन वो फंसेगा पकड़ा जाएगा उसी दिन उसकी सीधी सजा होगी। इसी प्रकार ये दो नकली संत हैं और नकली नाम दे रहे हैं और नकली गुरु बनकर शिष्य बना रहे हैं, ये डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहे हैं, ये भी दोषी है और इनके चेले भी हानि उठाएंगे, इनको भी बहुत नुकसान होगा। तो दास का उद्देश्य यह है कि इनको सबको सतर्क करूं, सावधान हों। सरेआम टेलीविजन पर कहने लग रहे, पुस्तक बनाकर भेज दी, सीडी वगैरह बनाकर भेज रहे हैं भक्त, तो किस लिए? तो क्यों नहीं कोई सामने आ रहा? कोई तो कह रामपाल झूठ बोला है, अब झूठ दो तो कोई कह दे झूठ बोला, सिद्ध करो एक बात को, झूठ सिद्ध कर दो, एक तो सिद्ध झूठ कर दो आप। तो पुणात्मा तुम्हारा सौभाग्य है कि आपको सहज में भगवान मिल गया, चाहे कोई दुख में आया है, चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है, ये सब परमात्मा की रजा है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बनाने तरवर पाथ हिलंदा, उस परमात्मा की दया से ही आप यहाँ पर उपस्थित हुए।